हिमाचल उत्सव का आगाज जिला सोलन में हो चुका है और नए नए रंग हिमाचल उत्सव में इस बार देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं रंगों के बीच हिमाचल उत्सव में एक खास स्टॉल इस बार प्रदर्शित हुआ है। खास हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि स्टॉल में लगी कलाकृतियां सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पत्थरों को कारीगरों ने हाथों से तराशा और ऐसी कलाकृतियां बना डाली जिन्होंने सभी के मन को मोह लिया। गुजरात से पहली बार हिमाचल आए बल्लू का कहना है कि पहली बार ही हम अपना स्टॉल लेकर हिमाचल में आए हैं और हिमाचल उत्सव में प्रदर्शित किया। उनका कहना है कि जितनी भी प्रतिमाएं फाउंटेन दुकान में प्रदर्शित किए गए हैं उन सभी को कारीगरों ने अपने हाथों से तराश कर बनाया है और इन कलाकृतियों को सफेद मार्बल से बनाया जाता है जो सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है। उनका कहना है कि इन कलाकृतियों को बनाने में किसी भी तरह की मशीन या अन्य तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। इन्हें कारीगर अपने हाथों से ही तराशते हैं और 3 से 4 दिन में एक प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है। जी, आपका नाम और कहां से आप आए हैं और कारीगरी आपने बेहतरीन सोलन में इस बार हिमाचल में प्रदर्शित की है। आपने क्या पहली बार हिमाचल में प्रदर्शित किया, इससे पहले भी आप हिमाचल आए? मेरा नाम बल्लू है, हम लोग राजस्थान बॉर्डर पे रहते हैं। ये हम लोग पत्थर का कारीगरी करते हैं, पूरा पत्थर बनाते हैं। हम लोग फर्स्ट बार यहाँ पर आए हैं हिमाचल के अंदर। अगर बात करें तो पत्थर की किस तरह से कारीगरी होती है, कौन सा पत्थर है, कहाँ पे मिलता है और किस तरह की कलाकृतियाँ आपने? ये राजस्थान में मिलता है, मकराना मार्बल है। मार्बल के अंदर इसको कटिंग करके सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। हम लोग कम स्टेचू लाए हैं, यहाँ देखने आए पहली बार। सारे ही तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, बुद्धा है, गणेश है, सारी मूर्तियाँ जो भी अवेलेबल है राजस्थान में सारी मूर्ति पत्थर के अंदर बनाई जाती है। सर, यहाँ पे आप कौन कौन सी चीजें लेके आए हैं, कितना लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्या इसके और आकर्षित हो रहे हैं लोग? यहाँ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लोग गुजरात महाराष्ट्र बॉम्बे में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर फार्म हाउस या बड़े बड़े बंगले कोठियाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पत्थर के बारे में इंटरेस्ट नहीं है। सर, बात करें तो ये पत्थर माना जाता है कि इसी पत्थर से ताजमहल का निर्माण हुआ है, बेहतरीन कलाकृति उसकी देखने को मिली, क्या है? व्हाइट मार्बल से ही ताजमहल बना है आगरा के अंदर में और व्हाइट मार्बल राजस्थान में पैदा होता है। सर, अगर बात करें तो कितना समय इनको तराशने में लगता है और क्या हाथों से ये तराशी जाती है? ये पूरा हाथ का ही काम है, हाथ से बनाकर तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन।